What is up everybody, मेरा नाम है विनय। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आपको लगा होगा कि what is this, how is it even possible और ये करने की ज़रूरत क्या थी। मैंने भी जब ये कॉन्सेप्ट देखा तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो ये फ़ोटो है माइक्रोसॉफ्ट की एक रिसर्च की जो पिछले 5 सालों से चल रही है। अगस्त 2015 में इसका फेज़ 1 ट्रायल शुरू किया गया था और जुलाई 2020 में इसका फेज़ 2 ट्रायल ख़त्म हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट प्लान कर रहा है अपने डेटा सेंटर्स को अंडर वाटर बनाने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि डेटा सेंटर्स होते क्या हैं, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो सर्वर्स सभी ने सुना होगा, सर्वर्स में डेटा स्टोर या प्रोसेस होता है और जहाँ पे सर्वर्स और ये पूरा सिस्टम स्टोर होता है या प्रोसेस होता है उसे डेटा सेंटर बोलते हैं। एवरी कंपनी हैज़ डेटा सेंटर। जैसे गूगल की बात करें तो ऑल ओवर गूगल प्लेटफॉर्म हमें 15 GB का डेटा स्टोर करने की फिजिबिलिटी मिलती है, जैसे कि जीमेल, गूगल ड्राइव एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको एक ईमेल रिसीव करने के लिए भी अपने गूगल अकाउंट में स्टोरेज की नीड होती है। गाइज, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, एप्पल, हर एक छोटी छोटी कंपनी के अपने डेटा सेंटर्स होते हैं। या तो वो अपना डेटा सेंटर बिल्ट करते हैं या फिर किसी एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर के साथ टाई अप कर लेते हैं। जैसे कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेटा सेंटर है नेवाडा में, जिसका नाम है सीटाडेल। वो ऑलमोस्ट 7.2 मिलियन स्क्वायर फीट की स्पेस कवर करता है। अगर इंडियन यूनिट्स में बात करें तो ऑलमोस्ट 8 लाख गज की स्पेस। इस डेटा सेंटर में इंटेल, AWS और ईबे जैसी कंपनी का डेटा स्टोर होता है। तो डेटा सेंटर्स के बारे में इतना जानना बहुत है। अब आते हैं थोड़ा अपने प्रोजेक्ट नेटिव के ऊपर। सब कंपनीज़ ये बोलती हैं कि हम एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीरियसली लेते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमारा कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है। एप्पल ने इवन इसी चक्कर में चार्जर देने बंद कर दिए। इन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दी और उन्होंने प्लान किया कि वो अपने डेटा सेंटर्स को अंडर वाटर बनाएंगे। गाइज, इसका नाम है प्रोजेक्ट नेटिक। 2013 के अपने थिंक वीक में, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट अपने एम्प्लॉयज़ को इनोवेटिव आइडियाज़ सामने रखने का मौका देती है, सीन जेम्स नाम के एक एम्प्लॉय ने अंडर वाटर डेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट सामने रखा। 2015 में इसका फेज़ 1 ट्रायल शुरू किया गया। जून 2018 में फेज़ 2 ट्रायल के चलते कंटेनर माइक्रोसॉफ्ट ने स्कॉटलैंड के सी में सिंक किया और जुलाई 2020 में इसको बाहर निकाला। इसके अंदर ऑलमोस्ट 864 सर्वर्स हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ 27.6 पेटाबाइट, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 27,600 टेराबाइट। GB में बात करेंगे तो नंबर्स का हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा। एक नॉर्मल SSD वाले लैपटॉप में 512 GB की SSD होती है। दैट मीन्स के इसके अंदर ऑलमोस्ट 55,000 लैपटॉप के जितनी डेटा कैपेसिटी है। और ये डेटा सिर्फ स्टोर नहीं करते, प्रोसेस करते हैं, क्लाउड सर्विसेज देते हैं। इस प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल एफर्ट्स लगे हैं। फॉर एग्जांपल, इस कंटेनर को स्पेसिफिकली फ्रेंच शिप बिल्डर कंपनी नेवाल ने बनाया है। यूरोपियन मरीन एनर्जी सेंटर ने अंडर वाटर डेटा केबल्स प्रोवाइड किए हैं। जब इसको अंडर वाटर सिंक किया गया तो ये कुछ ऐसा था, और 2 साल बाद बाहर निकालने पे इसकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी, लेकिन एक नॉर्मल वॉश के बाद ये नॉर्मल ही हो गया। इसको स्कॉटलैंड के सी में ही सिंक करने के पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे 100% रीन्यूएबल एनर्जी मिलती है विंड, सोलर एट्सेट्रा से। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसको अंडर वाटर सिंक करने का पर्पज़ क्या था। फेज़ 1 का सबसे मेन पर्पज़ ऑब्वियसली यही था, ये चेक करना कि क्या हम अंडर वाटर कंप्यूटर्स को सिंक कर सकते हैं, और अगर हम उसको सिंक करते हैं तो वो कितने दिन काम करेंगे। फेज़ 2 का मेन पर्पज़ ये था कि क्या हम इसको एक मैन्युफैक्चरेबल प्रोडक्शन स्केल पे बना सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि क्या अक्रॉस द ग्लोब ऐसे बहुत सारे अंडर वाटर डेटा सेंटर इंस्टॉल किए जा सकते हैं। गाइज, ये मेरी पहली वन ऑफ दिस काइंड वीडियो है। लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी और क्या ऐसी और वीडियोज़ बनानी चाहिए। और हाँ, एकदम फ्री सर्विस, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई पैसा नहीं लगता। गाइज, अब थोड़ा जान लेते हैं कि अंडर वाटर डेटा सेंटर को बनाने में क्या बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहला बेनिफिट होगा, देयर विल बी मिनिमम टेम्परेचर चेंजेस। सर्दियों से गर्मियों में, गर्मियों से सर्दियों में, इवन 24 घंटे के दिन रात में ही काफ़ी टेम्परेचर चेंजेस होते हैं। और डेटा सेंटर्स को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए इसका टेम्परेचर स्टेबल रखना पड़ता है। एक डेटा सेंटर का जो 40-50% एनर्जी कंजप्शन है वो उसके कूलिंग सिस्टम को ऑपरेट करने में ही होता है, और ओशन का नेचुरली कूल्ड वाटर इस कॉस्ट को काफ़ी मिनिमाइज़ करता है। अगला बेनिफिट है, इन डेटा सेंटर्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ही मिनिमम मेंटेनेंस चाहिए होती है हर तरीके से।
ना तो इसका रेगुलर चेकअप करने या इसकी सफाई करने के लिए किसी को वहाँ पे जाना पड़ेगा, ना किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होगा जैसे किसी पर्सन की वजह से कोई सर्वर डैमेज हो गया एंड ऑल। ऐसा मैं नहीं, माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है कि कंप्यूटर्स आर नॉट डिजाइंड टू वर्क इन द एनवायरमेंट दैट वी ह्यूमंस ऑपरेट। नेचुरल मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी की वजह से कंप्यूटर के पार्ट्स पे जंग लग जाता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स एक क्लोज्ड एनवायरमेंट में थे। कंटेनर में से कम्प्लीटली ऑक्सीजन गैस रिमूव कर दी गई थी और उसको नाइट्रोजन से फिल किया गया था, जिसकी वजह से कोरोजन रेट काफ़ी कम या ख़त्म ही हो जाता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, लेकिन वर्ल्ड की 50% पॉपुलेशन पानी के आसपास रहती है, लेकिन डेटा सेंटर्स को सिटी से बहुत बाहर बनाया जाता है क्योंकि उनको रिसोर्सेज और जो स्पेस चाहिए होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर डेटा सेंटर्स भी पॉपुलेशन के आसपास मतलब कि पानी में बनाए जाएं, तो जो डेटा ट्रैवल डिस्टेंस है वो बहुत कम होगी, इससे स्पीड बढ़ेगी और लेटेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। गाइस, लैंड पे नेचुरल डिजास्टर्स काफ़ी होते हैं, लेकिन जैसे कि ये कंटेनर सी बेड पे इंस्टॉल किया गया है तो वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। नॉर्मल डेटा सेंटर्स को काफ़ी फ्रीक्वेंटली चेकअप और क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस कंटेनर में इंस्टॉल होने के बाद उन कंप्यूटर्स को 5 साल के बाद ही बाहर निकालने की ज़रूरत है, वो भी बिकॉज उन कंप्यूटर्स की लाइफ ही 5 साल है। इससे मैन पावर और एनर्जी दोनों बचती है। गाइज, नॉर्मल लैंड पे सिस्टम फेलियर होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, जैसे किसी इंजीनियर की वजह से, किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से या क्लीनिंग करते टाइम, लेकिन इस अंडरवाटर डेटा सेंटर में माइक्रोसॉफ्ट ने ये फेलियर रेट 8 times तक कम रिपोर्ट किया है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। गाइज, इन डेटा सेंटर के जब इतने बेनिफिट्स हैं तो कुछ तो नुकसान भी होगा। तो प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि जब समुद्र का पानी इसको ठंडा करता है तो समुद्र का पानी ऑब्वियसली गर्म हो जाएगा, लेकिन बहुत ही एडवांस टूल के साथ मेजर करने पे भी ये बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर चेंजेस देता है, विच इज़ नेगलिजिबल एट ऑल, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो गाइज, हर एक बंदा ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करता है, हर एक बंदे का गूगल अकाउंट है, वो क्लाउड सर्विसेज यूज़ करता है, इसका मतलब है हर एक बंदे को डेटा सेंटर्स भी ज़रूरी हैं। और 2020 में वैसे भी ये ज़रूरत बहुत बढ़ गई थी, काम सारा ऑनलाइन शिफ्ट हो जाने की वजह से। ये जो ज़रूरत है वो हर एक दिन के साथ बढ़ी रही है, हर रोज़ नए लोग इंटरनेट के साथ जुड़ रहे हैं, यूट्यूब पे या ओवरऑल हर सेकंड में हजारों जीबीज में डेटा अपलोड और डाउनलोड होता है। तो ऐसा कोई फ्यूचरिस्टिक बड़ा स्टेप उठाना किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी बात है। आजकल वैसे भी कंपनीज अपने पैसे कमाने के पर्पज़ के साथ साथ अपनी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी ध्यान रखती हैं। आप भी रखें, हम भी रख रहे हैं, आने वाली जनरेशन और हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। शेयर कीजिए अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है। कमेंट डाउन योर व्यूज़ ऑन दिस। बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। पीस।